नमस्कार, ओम शांति। देश और दुनिया की खबरों के साथ मैं हूँ शिवांगी। देखिए, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की 48वीं पुण्यतिथि पर आयोजित 10 मिनट में 25 अहम खबरें। यूपी आगरा के कमला नगर सेवा केंद्र पर सिविल जज डॉक्टर कविता मिश्रा, लेबर कोर्ट जज आई.एस. सीताराम मीणा, बोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ए.के. गुप्ता, बिल्डर नंद किशोर, डॉक्टर के.पी. सिंह, जोनल प्रभारी बी.के. शीला, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. ज्योत्सना ने विशेष रूप ध्यान साधना कार्यक्रम में सहभागिता की और बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश में हाथरस के वसुंधरा एन्क्लेव सेवा केंद्र पर शहर के विशिष्ट लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर जिलाधिकारी अविनाश कृष्णन, जिला न्यायाधीश अजीता सिंह तथा बीके रानी समेत बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम में बीके रानी ने ब्रह्मा बाबा द्वारा किए गए विश्व कल्याण के कार्यों पर प्रकाश डाला। यूपी के न्यू मुरादाबाद में कमिश्नर एल वेंकटेश्वर, मेयर विनोद अग्रवाल, डॉक्टर कुमकुम मल्होत्रा, डॉक्टर नीलू सिंह तथा समाज सेवी मुकुल अग्रवाल ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस अवसर पर बीके आशा, बीके सुमित्रा, बीके मेघा समेत सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने स्वयं का जीवन भी बाबा जैसा बनाने का संकल्प लिया। महाराष्ट्र में पत्थर के बोईसर में श्री श्री 1008 परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांत आनंद सरस्वती महाराज ने शिरकत की। बाबा की 48वीं पुण्यतिथि पर उन्होंने अपने उद्गार प्रकट किए और संस्थान के कार्यों की प्रशंसा की। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके हिरल ने उन्हें ईश्वरी सौगात भेंट की। ओडिशा के रायगढ़ में ब्रह्मा बाबा के 48वीं पुण्यतिथि पर सेवा केंद्र में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 4th बटालियन CRPF के DIG प्रभात कुमार नाइक, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस के असिस्टेंट कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट आलेख कुमार सामल, सेंट जेवियर हाई स्कूल की प्रिंसिपल अश्मी जैन, सेवा केंद्र के प्रभारी बीके श्रीमती मुख्य रूप से मौजूद रहीं। इस कार्यक्रम में आए अतिथियों ने सेवा केंद्र के वातावरण से प्रभावित होकर कहा कि ब्रह्मा बाबा की शिक्षाओं का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा केंद्र का हर सदस्य अपने कर्मों द्वारा दर्शा रहा है, अतः हर आम आदमी को इस संस्था से सीखने का प्रयास करना चाहिए। उधर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर सेवा केंद्र पर 18 जनवरी विश्व शांति दिवस के रूप में मनाई गई। इस कार्यक्रम में सांसद CP जोशी, सदर थाना प्रभारी शिवलाल मीणा, डेयरी अध्यक्ष बद्रीलाल जाट, बीके आशा, बीके अनीता ने पुष्प अर्पित कर बाबा को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बीके बहनों ने अतिथियों को ब्रह्मा बाबा के जीवन परिचय से अवगत कराया। इसके बाद भादरा सेवा केंद्र पर सरपंच सुरेश बंसल, व्यापार मंडल के अध्यक्ष शिव भगवान, व्यापारी रमेश बर्वे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकांता मुख्य रूप से मौजूद रहीं। इस दौरान सेवा केंद्र से जुड़े बड़ी संख्या में सदस्यों ने एकत्रित होकर ध्यान साधना कार्यक्रम में भाग लिया और बाबा की यादों में अपना समय व्यतीत किया। भोपाल के रोहित नगर सेवा केंद्र पर ब्रह्मा बाबा के पावन पुण्य स्मृति दिवस पर सेवा केंद्र के प्रभारी बीके रीना समेत उपस्थित सभी लोगों ने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेते हुए प्रतिज्ञा की। इस दौरान सेवा केंद्र में बने शांति स्तंभ पर पुष्प अर्जित किए तथा बाबा के कमरे में ध्यान साधना की। भोपाल के नीलबड़ में भी ध्यान साधना का कार्यक्रम जारी रहा। इस अवसर पर प्रभारी बीके नीता ने बाबा की श्रेष्ठ शिक्षाओं पर चलने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में संस्थान से जुड़े लोगों ने बाबा के जीवन पर बने गीतों पर कुछ क्षण उनकी यादों में बिताए। इसके साथ ही स्वयं को भी उनके समान बनाने का संकल्प लिया। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर ब्रह्मा बाबा का कमरा और शांति स्तंभ की हूबहू प्रतिमा सजाई गई। इस अवसर पर राजकोट सब जोन प्रभारी बीके भारती, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू, राजयोग शिक्षिका बीके किंजल समेत राजकोट जोन से बड़ी संख्या में बीके बहनें उपस्थित थीं। कार्यक्रम में बीके भारती ने ब्रह्मा बाबा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए सभी को उनकी विशेषताओं से अवगत कराया। जो ब्रह्मा बाबा ने कितने सारे बच्चों को आप समान बनाया, साकार में भी बनाया और
बाबा जैसे कहते हैं ना, अव्यक्त भी क्यों बना है बच्चों को अव्यक्त स्वरूप धारी बनाने के लिए। इस दौरान सभी ने उस दिन को सार्थक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही बाहरी मौन के साथ साथ मन का मौन रखकर स्वचिंतन किया और शांति स्तंभ पर फूल अर्पित कर बाबा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अवधपुरी में भी बाबा के शांति स्तंभ की प्रतिमा बनाई गई, जिसमें सेवा केंद्र के वरिष्ठ बीके बहनों समेत बड़ी संख्या में संस्थान से जुड़े सदस्यों ने कुछ क्षण मौन में रहकर स्वयं के जीवन में बाबा की विशेषताओं को धारण करने का संकल्प लिया। इस मौके पर राजकोट सब जोन प्रभारी बीके भारती, पुरुषार्थ युवक मंथल के प्रमुख किशोर राठौर, लॉफिंग क्लब के प्रमुख अरविंद वोरा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा ने पुष्पांजलि अर्पित की। राजनगर में प्रातःकाल से सेवा केंद्र का वायुमंडल शांतिपूर्ण बनाया गया। इस अवसर पर प्रभारी बीके दीता तथा बीके अन्य बहनों ने ध्यान साधना कार्यक्रम के साथ स्वपरिवर्तन के लिए विशेष रूप से सभी को प्रेरणाएं दी। ब्रह्मा बाबा समान बनने के लिए ईश्वरीय ज्ञान को आत्मसात कर जीवन को सफल बनाने पर भी जोर दिया गया। न्यू दिल्ली के पीतमपुरा सेवा केंद्र पर बाबा का स्मृति दिवस अलौकिक रीति से मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रभा ने ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं का वर्णन किया। तो स्टार गिरा पर आकर के लक्ष्मी बन गया, स्टार गिरा आकर के नारायण बन गया। तो ऐसे स्टार आगे जा रहे हैं और वही गीता बन गया। इस दौरान कार्यक्रम में आए अतिथियों ने राजयोग मेडिटेशन से हुए अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा भी किया। और जैसे मैंने आई तो मैंने सोचा पहले उसको देखना शुरू किया, तो उसमें मैंने पॉजिटिविटी देखी और मैं चेंज हो गई। जब हम दोनों आपस में बहुत अच्छी शेयरिंग रात अच्छी तरह करते हैं, लेकिन रातें उनसे शेयरिंग। ब्रह्मा बाबा के 48वें पुण्य स्मृति दिवस पर बिहार के समस्तीपुर में सुधा डेयरी के एमडी डीके श्रीवास्तव ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी शांति दूतों की एक ऐसी संस्था है जो पूरे समाज में शांति बांटने का महान कार्य कर रही है। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय, एमआर मंडल के मुख्य प्रबंधक एसके वर्मा तथा राजयोग शिक्षिका बीके रंजना मुख्य रूप से उपस्थित थी। पंजाब के सुनाम सेवा केंद्र पर नगर परिषद अध्यक्ष भागीरथ राय गहिरा, उपाध्यक्ष मोनिका गोयल, आप पार्टी के शवीना ने ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान प्रभारी बीके मीना ने बाबा के जीवन परिचय से सभी को अवगत कराया। विश्व शांति दिवस के रूप में मनाए जाने वाले इस विशेष दिन पर मध्य प्रदेश के मंडला में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्मा बाबा के विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता ने बताया कि बाबा ने संपूर्ण मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने का महान कार्य किया है। इस कार्यक्रम में इंस्पेक्टर जनरल देवव्रत तथा अन्य कई विशिष्ट लोग मौजूद थे। इंदौर के कलाली नगर सेवा केंद्र पर राज्य शिक्षिका बीके सुजाता ने ब्रह्मा बाबा के विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा के जीवन में जितनी सादगी थी, विचारों में उतनी ही महानता थी। इस दौरान बीके हिमांशु शर्मा ने बाबा की स्मृति में गीतों की प्रस्तुति दी। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 सेवा केंद्र पर सामूहिक रूप से ध्यान साधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने ब्रह्मा बाबा के बने शांति स्तंभ पर कुछ समय मौन में रहकर बाबा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आंध्र प्रदेश के कड़प्पा सेवा केंद्र पर भी विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोगों ने शिरकत की। इस दौरान सेवा केंद्र के बीके बहनों ने ब्रह्मा बाबा के पद चिन्हों पर चलकर स्व परिवर्तन करने से विश्व परिवर्तन करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवा केंद्र से जुड़े लोग मौजूद थे। रतलाम के नजरबाग कॉलोनी में प्रभारी बीके सीमा ने सभी को संकल्प कराया कि परमात्मा द्वारा किए जा रहे नव निर्माण के कार्यों में
हम सभी सहयोगी बनेंगे। इस अवसर पर शहर के कई विशिष्ट लोग भी मुख्य रूप से मौजूद थे, जिन्होंने बाबा समान जीवन श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिया। भारत के पड़ोसी देश नेपाल के बीरगंज में भी आध्यात्मिक समा बंधा रहा। इस मौके पर स्थानीय सेवा केंद्र पर विशिष्ट लोगों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायाधीश मोहन बहादुर काकी तथा रामचंद्र यादव, वरिष्ठ समाज सेवी अजय द्विवेदी तथा बड़ी संख्या में अतिथियों ने शिरकत की। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रवीना ने बताया कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा संपूर्ण मानव आत्माओं के अलौकिक पिता हैं और हमें उनके जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। जारी रहेगा खबरों का सिलसिला, 10 मिनट में 25 खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, ओम शांति।